everyone, welcome to my YouTube channel. I am Gracie and this is my first video on YouTube. So please guys, pura dekhkar jana aur feedback zarur dekhkar jana. So now let's talk about video. So as you know ki har kisi ki skin alag alag hoti hai, kisi ki oily skin hoti hai, kisi ki dry skin hoti hai, to kisi ki combination skin hoti hai. So personally meri skin bahut zyada oily hai. So in today's video I am going to share my weekly skin care routine with you guys. So ज़्यादा पक पक ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश। गाइज हियर आई एम यूजिंग हिमालय का प्यूरीफाइंग नीम फेस वॉश। आप अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं आप वो फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश करने से क्या होता है, हमारी स्किन पे जो डर्ट होता है, ऑयल होता है और जो पसीना आ जाता है या फिर कोई भी पोल्यूटेंट होता है वो सब क्लीन हो जाते हैं। स्टेप टू इज क्लिनजिंग। गाइज यू कैन स्किप दिस स्टेप इफ़ यू वॉन्ट, बिकॉज क्लिनजिंग मिल्क भी आपके फेस से, आपके स्किन से ऑयल, डर्ट और जो भी पोल्यूटेंट या फिर आपका पसीना होता है उसको साफ़ करने का काम करता है। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना है, उसको अपने फेस पर अप्लाई करना है और हल्के से रब करना है सर्कुलर मोशन में, और फिर उसके बाद ईजीली उसको आप कॉटन से रिमूव कर देंगे। उसके लिए आपको पानी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नाउ स्टेप थ्री इज स्क्रब। गाइज स्क्रबिंग हमारी स्किन केयर रूटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज हमारी स्किन पे जो ऑयल प्रेजेंट होता है, डर्टी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं या फिर आपका पसीना प्रेजेंट होता है वो कम्प्लीटली फेस वॉश और क्लिनजिंग मिल्क से नहीं निकल पाता है। बट स्क्रब डज दिस जॉब सक्सेसफुली। इट हेल्प्स इन रिमूविंग डेड सेल्स फ्रॉम योर स्किन एंड गिव यू क्लीन एंड स्मूथ स्किन। गाइज पर्सनली आई फील कि सबसे ज़्यादा डेड सेल्स हमारी नोज के आसपास होते हैं, सो प्लीज़ पे लिटिल मोर अटेंशन देयर एंड उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से धो लें और एक सॉफ्ट टॉवल से साफ कर लें। इन स्टेप फोर वी अप्लाई टोनर ऑन आवर स्किन विद द हेल्प ऑफ कॉटन। मैंने कुछ ज़्यादा ही कम कॉटन ले ली है यहाँ पे। एनीवेज गाइज आप टोनर की जगह पर रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। टोनर हमारी स्किन के पीएच वैल्यू को बैलेंस करके रखता है। हमारी स्किन की जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 to 6 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन सोप और फेस वॉश यूज़ करने की वजह से वो डिसबैलेंस हो जाती है और उसी को बैलेंस करने के लिए हम टोनर का यूज़ करते हैं। टोनर ऑल्सो एक्ट्स लाइक मॉइस्चराइजर ऑन आवर स्किन, so we can put it like a moisturizer also. Now अब हम आते हैं स्टेप 5 पर जो कि है फेस पैक। गाइज फेस पैक कैन हेल्प यू टू गेट क्लियरर स्किन एंड मोर रिफाइंड पोर्स। फेस पैक हमारी स्किन पर जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पोर्स को लॉक कर सकते हैं उनको क्लीन करने का काम करता है, एंड फेस पैक के अंदर जो पानी होता है हमारी स्किन उसको एब्जॉर्व कर लेती है, जिससे हमारी स्किन और भी ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाती है। गाइज आई पर्सनली फील कि ये स्टेप बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, बिकॉज माई स्किन फील सो रिलैक्स आफ्टर पुटिंग फेस मास्क। एंड आफ्टर पुटिंग फेस मास्क लेट इट ड्राई फॉर 15 to 20 मिनट्स, एंड उसके बाद जब वो सूख जाए फिर उसके बाद आप अपने मुँह को धो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वाटर, एंड देन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट टावल आप अपने मुँह को पोंछ सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज आप कभी भी अपने मुँह को धोने के बाद कभी भी लाइक रगड़ना मत, रब मत करना, वरना आपके फेस पर इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। आप हमेशा उसको सॉफ्टली ऐसे टैप टैप करके ही पहुँचिए।
सो द फाइनल स्टेप ऑफ स्किन केयर इज पुटिंग मॉइस्चराइजर. गाइज, मॉइस्चराइजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर स्किन, बिकॉज स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखने से स्किन डल पड़ सकती है और पिंपल भी हो सकते हैं. बिकॉज जब हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती है तो स्किन डिहाइड्रेट होने लगती है और वो और भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे पिंपल और एक्ने हो सकते हैं. मॉइस्चराइजर ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, बिकॉज जो डर्ट और जो लाइक जो भी डर्टी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन को डायरेक्टली हीट नहीं कर पाते हैं. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. दिस वॉज माई वीकली स्किन केयर रूटीन. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग.